कमबैक खोज रही थी और वो कमबैक इस मैच में मिल सकता है उनको, एंड यस आई एम टॉकिंग अबाउट टीम रेवेनेंट। या और हमने चर्चा की थी सेंसे काफी जल्दी फिनिश ऑफ हुए थे इस मुकाबले के अंदर, लेकिन टीम आइकू सोल इस मुकाबले के बाद अगर मेरी गणित ठीक है तो वो ओवरऑल स्टैंडिंग्स में पहले पायदान पे आ जाएंगे और डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है टीम आइकू सोल। हमने बात की कंसिस्टेंसी की और अब वो डोमिनेशन दिखा रहे हैं, जहां पे मात्र दो खिलाड़ी बचे हैं उसके बावजूद वो टॉप थ्री के अंदर पहुंच चुके हैं। पांच प्लेसमेंट के अंक उनके पास जाएंगे ही जाएंगे, बट टीम रेवेनेंट ब्लेज ऑफ फियर्स उनको दरकार है इस मुकाबले की, एक बड़े मुकाबले की। ओजी की बात करें आज के दिन पे दो मुकाबले उनके बहुत बेहतर गए थे और ये वो एक तीसरा मुकाबला हो सकता है जहां पर खूब सारे अंक वो लेके जाएं, क्योंकि अभी भी मैन एडवांटेज की अगर हम बात करें वो पूरी तरीके से ओरैंगुटन के फेवर में, और ड्रेगर वो पांच फिनिशेस निकाल चुके हैं जिसमें से इफ आई एम नॉट रॉन्ग तीन तो उन्होंने ग्रेनेड से निकाले हैं। चलिए अपने प्लेयर्स वहां पे होंगे डाउन, आप देखिए तो उसे कितनी शातिराना तरीके से बाउंस कराया जा रहा है, स्मोक्स को नेट्स को डाला जा रहा है, वो पुश करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स उनके पास नंबर गेम एडवांटेज है। चलिए प्लेयर्स उनका भी समापन सोल के जोकर यहां पे दे जो वो फ्रैग एक लेके जाएंगे, एंड इसी के साथ रेवेनेंट के प्लेयर्स को एक एक करके खत्म भी किया गया। दोनों टीम्स ने एक एक फ्रैग वहां पे निकाला, जोकर पांच फ्रैग्स अब इनके हो चुके, टोटल नौ फ्रैग्स इस टीम के पास है। मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा नकुल को अभी तो मिस नहीं कर रहा है आइकू सोल के प्लेयर्स, बिकॉज जोकर इज प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट कहीं ना कहीं एक चिकन अभी भी इनसे दूर एक 2v4 सिचुएशन में जोन पर है आइकू सोल के पास। जी और अपने आप को प्रूव किया है जोकर ने पूरी तरीके से, हम बात करते रहे कि फिफ्थ प्लेयर वो बहुत टाइम तक खेले और क्या यहां पे कुछ पलटवार कर सकती है टीम आइकू सोल, उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 4v2 से 2v3 की सिचुएशन तक का सफर तो उन्होंने तय कर लिया है टीम ओरैंगुटन। वैसी कोई भी गलती यहाँ पे करना चाहेंगे जो जिस प्रकार से ये जोड़ी चल रही है एसपावर और जोकर की, मुझे लगता है कि मुश्किलें जरूर से पैदा हो सकती है टीम ओरैंगुटन के लिए। विगर वो ब्रोकन वॉल के पीछे जाते हैं लेकिन एक और ग्रेनेड आएगा, एक के ओपी उनको भी टेक डाउन किया गया। ये सुपर पावर है टीम आइकू सोल की जो यहाँ पर एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं, बट अभी भी टीम ओरैंगुटन एक मौका उनके पास जरूर रहेगा, वो रिवाइवल उनको निकाल रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस में है टीम आइकू सोल, उसके बावजूद टीम ओरैंगुटन थोड़ा बैकवर्ड पे, बट ओजी को जोन के अंदर जाना पड़ेगा। आप देखिए अभी भी 12 मीटर का सफर तय करना है, 3v2 का सिनेरियो यहाँ पे बन चुका है, रास्ते में स्मोक्स बिखर चुके हैं, बट क्या यहाँ पे एक और नॉक आ सकता है। आश वहाँ पे गए थे ओपन में, उनको काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे मिल चुका है, बट चलिए अब बारी है आगमन का, अब बारी है पुश करने की, बिकॉज ओरैंगुटन उनको जोन के अंदर जगह चाहिए और अब स्मोक करके वो जगह उनको मिल भी जाएगी, बट एसपावर इज स्टिल गॉट इट, तीन और नेड्स उनके पास और ये नेड्स शिकार बना सकते हैं, डैमेज दिया काफी ज्यादा डैमेज एक ओपी के वो देते हुए कि दो और नेड है उनके पास, बट विस्कॉर्ड उनको भी यहाँ पे डाउन किया जाएगा, मोलोटोव आई जरूर है, बट जोकर बचेंगे उस मोलोटोव से, एक एओपी भी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। एश इज नाउ द लास्ट मैन स्टैंडिंग, जोकर को देखा समझा परखा डैमेज भी वहां पे दिया बट वो काफी नहीं था, और पुश करते हुए एक 2v1 सिनेरियो के अंदर, एंड हियर यू गो आइकू शानदार शानदार विनर विनर चिकन। अगर आपको हमारे हाइलाइट्स पसंद आ रहे हैं इस स्पोर्ट के, तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कनेक्शन में ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।